हमको केवल एक आनंद है, क्या है? किसी जीव के अंदर भगवान ने यह प्रेरणा प्रदान की कि आप जाओ, आपको यह कार्य करना है। कैसे करना है यह परमात्मा का निर्णय है, ये जीव के बस का नहीं है। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखो, जिस दिन हम भगवान के हो गए, भगवान अपने आप सब संहार करते। भगवान का होकर देखो, संसार का होकर देख लिया, भगवान का होकर भी देखो। छोड़ो, मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। हम होते ही नहीं, हम कुछ मिनट के भगवान के होते हैं। हम यही सिद्ध करने में परेशान हैं कि बच्चों के बाप कैसे बन जाएंगे, पत्नी के पति कैसे बन जाएंगे, पति की पत्नी लायक कैसे बनेगी, भाई के भाई कैसे बने जाएंगे, बाप के बेटा कैसे बनेंगे, मित्र के मित्र। अरे मारो ना, सबको खुश करते करते सब नाराज हो जाएंगे, भगवान खुश होंगे, सब अपने आप खुश हो जाएंगे। केवल भगवान की चिंता करो, इन्हीं का चिंतन करो, इन्हीं की चिंता करो, आपको कुछ करने नहीं। वो पद आपने सुना होगा, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तुम्हारे नाथ को रहती है तेरी हर बात की चिंता। क्या करना, विभीषण जी राज लेने आए थे क्या? विभीषण जी लात पाके भगवान की शरणागति प्राप्त करने आए थे। त्राही त्राही आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। क्यों आए? अतो शरण में आए। सुग्रीव जी से भगवान ने पूछा क्या करें, सुग्रीव बोले कि रसरी से बांधना है उसको। कहे तो हनुमान जी को उसका लड़का बांध के ले गया था, पूछ लीजिए, खड़े हैं सामने, इसको बांध के रखा, राखी बांध मोही स्वभावा। अब उन्हीं की पूरी सेना साथ में, भगवान ने कहा सखा मंत्र तुम नीक बिचारी, लेकिन मेरी तो स्थिति दूसरी है, मम पन शरणागत भय, मेरी प्रतिज्ञा है जो शरण में आ जाएगा उसको हम भय मुक्त कर देंगे, अभय कर देंगे। तो हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? सुग्रीव जी मौन हो गए। लेकिन जब विभीषण जी आए हैं, अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, ढिग माने बगल में। सुग्रीव जी इसी क्षण से और चंद्र दर्शन के प्रकरण तक राम जी से बोलबे नहीं भय। ऐसा नहीं कि हमारे आपके यहाँ लोग रुसत हैं, राम जी के दलों में लोग रुसियात हैं, मनावत हैं, हंसत हैं, छटपटात हैं, लेकिन भगवान तो भगवान हैं साहब। सुग्रीव जी चंद्रमा के प्रसंग तक मौन है, बोलबे नहीं गए, नाराज हो गए, रूठ गए। जीव का स्वभाव है, रूठो मनाओ कहनाओ। फिर भगवान ने अपना शीश उनके कक्ष में रखा, लाड़ लड़ाया तो सुग्रीव पटाए। विभीषण जी शरण में आए, भगवान ने उनको राज तिलक दे दिया। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही, अस कही राम तिलक तेहि सारा सुमन वृष्टि नव भई अपारा। ये विश्वास रखो, भगवान की शरण में आ गए तो भगवान वो सब कुछ देते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दे दे, दे। आओ, शर्त है शरण में आओ। शरण में आ गए, कल्याण कल्याण। लेकिन भैया हो बड़ा कठिन है,
भगवत शरणागति तो बहुत दूर की बात है, लोग कथे में नहीं आवत है। शरणागति तो छोड़िए, वो तो बड़ी लंबी गाथा है। सब भगवान का है ऐसा मानने वाला इन मस्तों की बस्ती में है। हमारा कहने से हमारा होने वाला भी नहीं है। बस ये कहना सरल नहीं है। हम सब सबकी योजना बनाते हैं, दिन रात बनाते हैं, परंतु कोई माया जगत से जानने की योजना नहीं बनाता है। ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ना हम बनाते हैं ना आप बनाते हो। एक से एक योजना बनाते हैं, दिन रात योजना बनाते हैं। भगवान ने कहा भक्ति प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत शुति रीति। भागवत जनों में, ब्राह्मण देवताओं में, भक्तों में उनके चरण के प्रति प्रीति हो, अति प्रीति हो। भागवतों में, भक्तों में, विप्र में प्रीति ऐसे नहीं होती। इसके लिए भी सत्कर्मी जीव चाहिए। सबकी प्रीति नहीं होती है, भाग्यशाली। श्रुति क्या कहती है, वेद भगवान क्या कहते हैं, उस विधि से हम जीवन जिए, मनमुखी न जिए, अपनी योजना से जीवन न जिए। वैदिक नहीं तो पौराणिक विधि का पालन होना ही चाहिए जीवन में। वैदिक थोड़ा कठिन है, नहीं पालन हो तक तो चलो। वेद मत नहीं सही तो फिर साधु मत यानी पुराण मत। भगवान की कथा का श्रवण, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्य निवेदनम। नव में से कोई भी भक्ति दृढ़ता पूर्वक करने की प्रवृत्ति हो, भावना हो, भगवान लीला दर्शन की ललक हो, मम लीला रति अति मन माही, मेरी लीलाओं का दर्शन सब प्रेम करे। मम गुण गावत पुलक शरीर, मेरे गुण समूहों का गान करें। और देखिए कथा गाते सुनते रोमावली खड़ी हो जाती है, भगवान की कैसी करुणा है। भगवान अकारण करुणा कैसे कैसे जीव पर करते हैं, कभी हमारे पर भी करुणा वृष्टि होगी, होगी ही। इसका चिंतन करते करते रोमावली खड़ी हो जाती है। वो भाव ऐसा गदगद गिरा नयन बह नीरा। भगवान कहते हैं मेरे गुण समूहों का चिंतन करते करते नेत्र सजल हो जाए। ये मेरी भक्ति है जिस समय शिखर द्रवित हो जाता। देखिए भगवान को बुद्धि से प्रसन्न नहीं कर सकते, भगवान को बहुत अधिक तपस्या करके भी प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान प्रेमा भक्ति से अधिक प्रसन्न होते। हमारा प्रभु के प्रति प्रेम कितना है, हमारा अनुराग कैसा है, किस स्थिति में है। भगवत अनुराग भगवान की लीलाओं का दर्शन करके, कथा श्रवण करके होता है।
जाते वेग द्रमो में भाई सो मम भगति भगत सुखदाई। मेरी भक्ति भक्त्या तृष्यति केवलम न च गुणई भक्ति प्रियो राघव। श्री राघव जी को भक्ति प्रिय है। कबीर बाबा कहते हैं मोहे भावे रे भक्ति बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए बड़े बड़े ऋषि मुनि गंगा नहाए कंगना पाए बिटवा चमैनिया के मोहे भावे भक्तराज रविदास बाबा को मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा जी कठौती में ही आ गई। ऐसी भक्ति प्रभु दी तो चंदन में पानी हम पानी है ना हम पानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जो नर भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोई प्राण। और आवश्यक नहीं कि हम सब करें, एक कोई करो। एक पथ पर अग्रसर होइए, जो आप कर सकते हो, जिसको करने की आपकी ललक और क्षमता दोनों हो। एक मुझे बड़ा सुंदर लगता है, लोग कहते हैं महाराज हम तो केवल आपके द्वारा गाए भजन ही सुनते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये जीव तो हमसे भी धन्य है जो भजन में ही लगा है, रमा है 24 घंटा है। कितना भाग्यशाली है जीव, हम तो कथा में ही भजन गाते हैं, अब वो बोलते हैं हम तो 24 घंटा आपकी कथा का भजन ही सुनते रहते। बाबू बैठे हैं तो कोई कल भाई कह रहे थे कि हम तो इनकी भी कथा सुनते हैं, 9 बजे आती आता भजन पे। कितना भाग्यशाली जीव है, हम तो सुन ही नहीं पाते हैं, हम तो अटरम खटरम में ही लगे रह जाते हैं, कथा गाते हैं तभी सुन पाते हैं, कभी कभी बैठे सुन लिया घर में। लेकिन जो जीव 24 घंटा भजन में ही लगा है, कथा में ही लगा है, ते धन्य जो इसमें रमे, उनको वंदन करने योग्य है, प्रणाम करने आदर करने। ये बहुत अच्छी बात है। आपका मन भजन में लगा रहेगा तो न मन भटकेगा न तन भटकेगा, ये जीवन धन्य धन्य हो। बड़े अच्छे हैं आप लोग सुनते हैं, इसीलिए हम लोग नए नए भजन ढूंढ ढूंढ कर कथा में सुनाते भी। बाबू तो हर कथा में 2-4 नए भजन गाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले मुझे सुनाते फिर कथा में सुनाते, बहुत अच्छा। कल भी सुना रहे थे, अभी कथा में गाएंगे, दल सिंह सराय में सुनाएंगे, नए भजन आपको सुनाएंगे, बहुत अच्छा। मुझे बहुत भाता है हो, जब कोई कहता है महाराज हम तो कथा सुनते हैं, आ हा हा हा, वो जीव कैसा धन्य है जो कथा सुन रहा है। भगवान की कथा में जिसका मन लग रहा है, महाराज सुनाइए और सुनाइए कथा, महाराज क्या बात, आ ते धन्य। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पगिए, सीताराम 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 कहिए, जाय विधि राखे राम जी ताय विधि रहिए। धन्य धन्य भगवान ने उपदेशित किया है, आगे सुपड़खा का आगमन है, उसका नाक कान भंजन हुआ। सुपड़खा दंडकारण्य में खरदूषण के संरक्षण में आसुरी प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार के लिए भेजी गई रावण की बहन है। जितने ऋषि मुनि थे सब इनसे भय प्राप्त करते थे,
रावण ने सुपर्णखा के पति का जब वध किया विद्युत जिह्वा का, तो उसने वचन दिया किसने हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, हमने इसका अंत कर दिया। विद्युत जिह्वा बड़ा ही प्रतापी था, परंतु बहन हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम आज के बाद से जिस पुरुष को चुन लोगे उससे हम तुम्हारा विवाह कर देंगे। अब भैया एक व्यवहार है, भगवान हर कार्य को करने के लिए निमित्त निश्चित रखते हैं, इसका निमित्त कौन बनेगा।